एयरपोर्ट से आने के बाद किसी को वड़ा पाव खाना है तो शिव वड़ा पाव भाई के पास आना, वड़ा पाव कर आना। हम लोग तो पहले निकल गए थे लेकिन वैभव or download the Air Seva app to share any feedback or suggestions on our services with the चलो पहुंच गए अभी हम लोग मुंबई में, 7 बज गए अभी सुबह। लोगों का इंतजार कर रहे थे इधर, ये अभी गुजरात सूरत में जाना, अभी इधर ही है वडोदरा में जाएंगे, केतन भी जाएगा सूरत में। अभी पहुंच चुके हैं ऑलरेडी अभी मुंबई में थे। सब्सक्राइब करूँ टका चैनल ला, बेल का आइकॉन का बटन दबा, नहीं लाइक करा, नंतर में शेयर पण करा। यस शेयर करा। आणि यांचा आवाज बाय द वे आपले माननीय राज ठाकरे सरकार सेम टू सेम, मला पण आज कळलं ते, पण तुम्ही सेम कला म्हणजे सेम भाषण देताना आहे ना, पक्का गॅरंटेड एकदम सेम साऊंड आहे, सेम एकदम जबरदस्त। फाइनली पहुंच गए हैं अभी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, अभी ड्यूटी फ्री शॉपिंग रूम में। देखिए शॉप एंड विन करके लिखा हुआ है, मालूम नहीं मिलती भी है कि नहीं। अब ये परफ्यूम देखते हैं यहाँ पे। चलो वेटिंग कर रहे हैं अभी बैग का, बैग भी आ चुका है केतन का भी, मेरा भी, और सोनावने भाई का भी बैग आ चुका है। नहीं रे तो, बोला था संयम पाल तो संयम चलो अभी हम लोग आ चुके हैं, अभी मुंबई में बाहर है, यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं इसके साथ में, केतन के साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं बेटा। तो दिखा देते हैं ना यहाँ पे क्या क्या रहता है, समोसा डोसा जो भी है ले लेंगे उधर से, और वड़ा पाव मंगाए, वड़ा पाव आ गए हैं, पार्सल सर्विसेज नॉट अवेलेबल, कंजूसी कर दी है यार, मिर्ची महंगी हो गई है। मुंबई का फेमस है वड़ा पाव। और केतन आपका नाम क्या? पिंटू। हाय नंबर है ना। चलो फिर अभी हम लोग निकलते हैं केतन। ओके अच्छा टाइम गुजरा है ये तो मेरे चला अच्छा टाइम गुजरा। अरे तो अभी हम लोगों ने ओला बुक किए हुए हैं, तो अभी बैठे हैं ओला में, थोड़ी सी मुशक्कत मेहनत करनी पड़ी बुकिंग करने के लिए। हम उबर में खड़े थे, उबर के लाइन में खड़े थे हम लोग, और इनका नाम है, क्या नाम है, जावेद अहमद, कहाँ से, उमरा से है, और इनकी ओला मिल गई है, तो अभी इनको ठाणा छोड़ के फिर मैं कलवा चला जाऊँगा, तो क्योंकि ओला उबेर भाई भाई। ऐसे रहा कुछ दमाम से सऊदी का सफ़र, चलो अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़र तो अच्छा गया, भाई साथ में थे, केतन भी साथ में था, और एक था गुजरात का बंदा, तो सिर्फ शॉपिंग वॉपिंग भी उधर ही कर लिए सब, थोड़ा बहुत ड्यूटी फ्री शॉप में भी इन्होंने शॉपिंग किए, और मैंने परफ्यूम खाली टेस्ट किया, खाली बॉडी के ऊपर परफ्यूम मार के देखा, हर एक अच्छा अच्छा परफ्यूम था, सऊदी मोटा नहीं शनेल वगैरह, छोटे मोटे परफ्यूम नहीं। तो आ चुके हैं फाइनली मुंबई में, आमची मुंबई फाइनली, हम अपने घर पे ही वापस आ जाते, कितना भी बाहर रहे तो घर ही रहता है, घर में जो रहता है कमाई, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि भाई बाहर जाना अच्छा लगता है, लेकिन बाहर जो रहते हैं उनको ये लगता है कि भाई हम यहाँ कैसे सेटल हो जाए करके, दोनों जगह पे कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहता है। उस कन्फ्यूजन से क्लियर करने के लिए मैं अभी आगे कुछ ऐसे व्लॉग बनाऊँगा तो टेंशन ही दूर हो जाएगा कि भाई बाहर जॉब करने के लिए लोग जाते हैं फिर बाद में फंस जाते हैं, बहुत सारी परेशानी आ जाती है उनको, कोई एजेंट फंसाता है ना। हमें तो यहाँ पे सऊदी वगैरह के, सऊदी में मैक्सिमम ऐसा होता नहीं है, खाली हाउस ड्राइवर लोग जो घर में काम करते हैं उनके लिए, लेकिन जो थाईलैंड वगैरह जो जाते हैं वो तो बहुत बड़ा
अरे चीजों से बचे रहिए भाई। मैं तो सीधी सीधी सी एक बात कहूंगा, जॉब अगर आप 2-4 लाख रुपए जमा करके अगर बाहर ऐसी कंट्रीज में जा रहे हैं जहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है, तो प्लीज आप उधर मत जाइए, क्योंकि जहाँ पे कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, अगर कुछ भी होता भी है तो आपको वो संभाल सकता है। लेकिन ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे आपको कोई जान पहचान वाला नहीं है ना, तो उधर जाके आप फंसेंगे बाद में। वही 4-5 लाख रुपए से आप टी शर्ट्स रस्ते पे, मैं तो बोलता हूँ कि बहुत जगह अपने पास बहुत सारी खाली रहती है, आप खाली स्टार्ट करें, फिर बाद में 4-5 साल के बाद देखें कि आपके कॉन्टैक्ट्स और आपकी ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी से आप कितना कमा सकते हो करके, फिर बाद में आके मुझे बोलना कि भाई मैंने ऐसे ऐसे स्टार्ट किया और मेरा फायदा हो गया। जब 4 लाख रुपए आप खर्चा करके जाओगे, 5 लाख रुपए खर्चा करके 10,000 रुपए की जॉब के लिए, फिर आपको और 5-6 साल देने पड़ेंगे उसको निकालने के लिए। यार रस्ते पे 2,000 रुपए का टी शर्ट लेके आप सेल करने चालू करो, आपको अगर 200 रुपए भी मिल गए ना, तो आप सोचो 365 डेज में आप कितना निकालेंगे। मैं तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ अपने आगे व्लॉग आते रहेंगे, इंस्पिरेशन, आप तो मोटिवेट भी हो जाएंगे। ये देखिए हमारी मुंबई कैसी है करके, ये बारिश के बाद का क्लाइमेट है, अभी बहुत ठंडा क्लाइमेट है। पोई गार्डन, हाँ पोई गार्डन में हम लोग है अभी, वड़ा पाव खाने के लिए रुके इधर यहाँ पे। बहुत सारे लोग इंटरनेशनल बाहर के लोग है ना, वो लोग देखेंगे आपके इसको। नाम क्या आपका? मोहम्मद इब्राहिम नाम है। यहाँ पे आइए पवई गार्डन के सामने जो थाना, पवई जाने के लिए जरा सा हमारा चाय वाला भाई। अच्छा, ये अभी चाय का भी टेस्ट करते हैं कैसा है करके, एक तो चाय, 3 चाय बनाइए। मिर्ची है यहाँ पे, वड़ा पाव। मुंबई में एक चीज़ है आदमी कैसे भी करके सर्वाइव कर सकता है, देखिए आप इधर आ जाओ, आ जाओ चाय पीने के लिए। आलम भाई आ जाओ। हाँ बोला, एयरपोर्ट से आने के बाद किसी को वड़ा पाव खाना है तो शिव वड़ा पाव भाई के पास आना, सीधा एयरपोर्ट से राइट टर्न लेने के बाद जो थाना जाने के लिए, पवई जाने के लिए जो रोड है वहाँ पे सिग्नल से राइट मारने के बाद में आप आइए, थोड़ा सा इनको भी एनकरेज करें। ये देखिए पार्किंग की भी सुविधा है, पार्किंग के लिए भी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे इधर पार्क कर सकते हैं गाड़ी। किधर किधर साइड में इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ इसके उधर देखिए। अभी यहाँ पे अभी मेट्रो का काम चल रहा है, इधर बहुत अच्छे से काम चल रहा है मेट्रो का, और ये थाना में हम लोग एंटर कर चुके हैं मुरुन छोड़ के, इनको अभी माचीवाड़ा छोड़ना है, उसके बाद में फिर मैं चला जाऊंगा घर पे। ये मेट्रो कब तक चालू हो जाएगी? 1-2 साल लग जाएंगे ना यार। हम लोग के कॉलेज के टाइम में इधर क्या था, इधर कुछ भी नहीं था मालूम है। अभी लेफ्ट पे रखने का, पहला लेफ्ट नीचे उतरने का, पहला लेफ्ट लेने का, और दूसरा लेफ्ट लेके मुमरा में, कलवा में अगर आपको गाड़ी चाहिए रहेगी तो भाई की गाड़ी, बहुत अच्छे बंदे हैं, हम भी इनसे पहली बार मिले हैं, लेकिन आदमी का जो बिहेवियर रहता है वो सब कुछ बता देता है, बात करने का तरीका, जो स्माइल फेस के ऊपर, तो वो सब कुछ। भैया सऊदी में भी थे तो अभी उन्होंने यहाँ पे गाड़ी चालू कर दिया है, ओला में चलाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये सब कि बाहर से काम छोड़ के आने के बाद में यहाँ पे स्टार्टअप करना, और 7 साल यहाँ पे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज़ वेरी हैप्पी। तो इनकी गाड़ी अगर चाहिए रहेगी रेंटल पे तो भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सुहाना सफर चाहिए होगा तो कांटेक्ट करें। हाँ सुहाना सफर मतलब इंजॉयबल एकदम, आप बोर नहीं होंगे। अभी मुझे यहाँ पे, हम लोग एयरपोर्ट से तो 1.5 घंटे में निकलते हैं, आई होप कि आज इनको ज्यादा से ज्यादा भाड़े मिले करके, अच्छे लंबे लंबे वाले, क्योंकि बहुत ही बंदे अच्छे बंदे है। आप भी बोलो। बहुत अच्छे बंदे, हमारा सफर बहुत सुहाना हो गया, 4 बातें हमने सीखी, हमें उसका फायदा होगा, तो आप भी इनसे गाड़ी लीजिए और आपका भी सफर सुहाना कीजिए। सही है, थैंक यू। ये देखिए गाड़ी लगता है टेस्ट ड्राइव की, टेस्ट राइड की गाड़ी होगी। सोया हुआ नहीं हूँ मैं, 24 घंटा होने को आया है, लेकिन नींद जैसा नहीं लग रहा है फेस, इनका भी फेस नींद जैसा नहीं लग रहा है। केतन था वो तो चला गया, उसका भी फेस ये होता है। कर चुके हैं अभी, शायद से 3 ब्लॉक मैंने को मुझे बनाने पड़ेंगे। ये राइट लेफ्ट में आने वाला है, बस स्टॉप है यहाँ पर, बस वाला घुसेगा।